हेलो देखो यहाँ पे समय दो। अभी हम लोग समरी पढ़ रहे थे सोल्जर का। सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक। पहले हम इसका वर्ड एक तरफ से लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। सोल्जर मतलब सैनिक, वार मतलब होता है युद्ध, ठीक है। पोएम मतलब कविता, पोएम मतलब कविता। रुपर्ट ब्रूक आपका राइटर का नाम है? राइटर का नाम है। ओके, पोएट का नाम है? पोएट का नाम है, यही याद कर रहे हैं आप लोग। अंग्रेजी कविता, सोनेट मतलब क्या आता है? अंग्रेजी कविता। डिस्क्राइब मतलब अब होता है वर्णन करना। फीलिंग मतलब महसूस, एहसास भी कर सकते हैं क्या। और लव मतलब समझ में करते हैं, प्रचलित चीज है ये क्या। हिमसेल्फ मतलब खुद है ना। सोल्जर ही लिखी दिए ऊपर। फाइट मतलब लड़ाई। अनदर मतलब अन्य या दूसरा। कंट्री मतलब देश जन्मे करते हैं, जानते तो हम लिखते कहला हो क्या। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। उसके बाद सोल्जर। डाइज मतलब मरना होता है, ठीक है सब। बैटल मतलब होता है सर युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है, इस सब का आपको पता ही होगा। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, ठीक है। टफ टफ वर्ड हम लिख दे रहे हैं। लैंड मतलब भूमि होता है। फाइट मतलब लिखा गया लड़ाई। मदरलैंड मतलब मातृभूमि होता है। बड़ी मतलब दफन, नहीं जमीन में गाड़ देता है उसको दफन कहते हैं। वांट मतलब तो चाहना होवे करता है। डेड मतलब मृत। बड़ी का हो गया। ट्रीटर मतलब अब होता है क्या? उपचार। ट्रीटर मतलब उपचार होता है। पार्सल मतलब समझते हैं, कहीं पे भेज भाज करना, इंग्लैंड जा कर आना, रिमेम्बर याद करना। उसके बाद फॉन्डनेस मतलब होता है वो शौक। क्या होता है? शौक या फिर शौकीन लिख सकते हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि। बर्न मतलब जन्म लेना। और ब्रॉट अप मतलब होता है पालन पोषण। ब्रिंग अप का भी टू भीतरी होता है क्या? ब्रॉट अप पालन पोषण करना। यहाँ पे लिखते हैं हम। नेचर मतलब होता है वह प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। उसके बाद लाइट मतलब प्रकाश, आप जानते हो, फिर भी हम लिख देते हैं। साउंड मतलब ध्वनि। उसके बाद ये सब आपको पता है। फूल मतलब फ्लावर मतलब फूल होता है, जानते हो। वे मतलब क्या आता है? रास्ता मार्ग तरीका ये सब होता है। वॉक मतलब टहलना। एयर मतलब हवा होता है। ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस लेना, ठीक। डीप मतलब क्या होता है? गहरा, चाहे गहराई। मदरलैंड लिख दे ऊपर। दस मतलब इस प्रकार। दस मतलब इस प्रकार। सोच मतलब दिखाना। शो मतलब दिखाना होता है ना। पैट्रियोटिज्म मतलब अब होता है देशभक्ति। क्या होता है? देशभक्ति। उसके बाद पैट्रियोटिक, पैट्रियोजिन वही लवर डेटर वही है, एक ही चीज है बस। सबका हो गया। अब इसको हम लोग भारी भारी से पढ़ करके और हिंदी समझेंगे। देखिएगा, द सोल्जर इज ए वार पोएम रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। मतलब द सोल्जर चैप्टर का नाम है, इसको इन्वर्टर को मैं बंद कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। द सोल्जर एक युद्ध कविता है जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, ठीक है। दिस पोएम इज ए सोनेट, मतलब यह कविता एक अंग्रेजी कविता है। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में। द पोएम डिस्क्राइब्स, द पोएम डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग। गलत है सब, यहाँ पोएट होता है, इंप्रूव कीजिएगा इसको। यहाँ पोएट होता है, ठीक है। कवि वर्णन करते हैं हिज फीलिंग्स, मतलब अपने अनुभव को, महसूस को, ऑफ लव, क्या चीज के अनुभव को? प्यार के अनुभव को, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, ठीक है। मतलब कवि वर्णन करते हैं अपने एहसास को अपने देश के लिए, प्रेम के बारे में, ठीक है ना।
द पोएट इज हिमसेल्फ ए सोल्जर, मतलब कवि खुद में एक सैनिक है, हिमसेल्फ मतलब खुद में स्वयं, एंड और ही हैज गॉन टू फाइट, और वे लड़ने गए हुए हैं, चाहे लड़ने गए हैं, इन अनदर कंट्री फॉर हिज कंट्री, मतलब दूसरे देशों में अपने देश के लिए, ठीक है, कोई भी आदमी अपने देश के लिए दूसरे देश में लड़ने जाता है या फिर दूसरे देश से लड़ता है अपने देश के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उनके अनुसार, ए सोल्जर लिव्स एंड डाइज फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक जीता है और मरता है अपने देश के लिए। द पोएट वॉन्ट्स टू डाई इन बैटल फॉर हिज कंट्री, मतलब कवि चाहते हैं मरना युद्ध में किसके लिए, अपने देश के लिए। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इफ ही डाइज, यदि वे मरते हैं, इन ए फॉरेन लैंड, मतलब विदेशी भूमि पर, चाहे विदेशी भूमि में, फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड, मतलब अपने मातृभूमि के लिए लड़ते समय, ही विल बी बरीड इन दैट लैंड, तो उन्हें दफना दिया जाएगा उसी जमीन में, उसी भूमि में। ही वॉन्ट्स टू प्लॉट ऑफ लैंड वेयर ही डेड बॉडी विल बी बरीड, शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंग्लैंड, मतलब ही वॉन्ट्स, वे चाहते हैं टू प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब भूमि का जो टुकड़ा है, भूमि का जो भाग है, वेयर हिज डेड, जहां उनकी मृत्यु, मृत बॉडी, मृत शरीर, विल बी बरीड, मतलब अपनाया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड, और उपचार किया जाएगा एज पार्ट एंड पार्सल, वह भाग और वह भेजा जाना चाहिए, वो ले जाना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, इंग्लैंड में होना चाहिए, ठीक है ना, उनको दफनाया भी जाए, चाहे इलाज भी कराया जाए, तो कहाँ कराया जाए, इंग्लैंड का होना चाहिए, इंग्लैंड में होना चाहिए। ही रिमेम्बर्स हिज कंट्री, वे याद करते हैं अपने देश को, विथ फॉन्डनेस, मतलब शौक के साथ, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, वे जन्म लिए थे और उनका पालन पोषण हुआ था वहीं, ठीक। ही लव्स द नेचर ऑफ हिज कंट्री, वे प्रेम करते हैं अपने देश के प्रकृति से, अपने देश के प्रकृति वातावरण से, ठीक है ना, हाव भाव से। ही लव्स द लाइट्स एंड साउंड्स ऑफ हिज कंट्री, मतलब वे प्रेम करते हैं प्रकाश से और ध्वनि से, कहाँ का ध्वनि, अपने देश से, मतलब अपने देश के हर चीज से वे प्रेम करते हैं। ही रिमेम्बर्स, वे याद करते हैं हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि हिज कंट्री हैज गिवन हिम फ्लावर्स टू लव, उनका जो देश है उन्हें दिया है फूल, क्या चीज का, प्यार का, उनका जो देश है उन्हें क्या दिया है, प्यार का फूल दिया है। वेट्स टू वॉक, और टहलने के लिए क्या दिया है, रास्ता दिया है, मार्ग दिया है। एंड द एयर ऑफ ब्रेथ, और सांस लेने के लिए क्या दिया है, हवा दिया है। ऑल दीज थिंग्स शो द पोएट्स डीप लव फॉर हिज मदरलैंड, मतलब ये सभी चीजें दिखता है कवि के गहरा प्यार में फॉर हिज मदरलैंड, वो उनके मातृभूमि के लिए, ठीक है। दस, इस प्रकार इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट शोज दैट, कवि दिखाते हैं कि हिज पैट्रियोटिज्म फॉर हिज कंट्री, मतलब अपने देशभक्ति को अपने देश के लिए। दिस पोएम इज ए पैट्रियोटिक पोएम, मतलब यह कविता एक देशभक्ति कविता है, चाहे देशभक्ति कविता है या फिर देश के हित में लिखा गया कविता है। विच इज फुल ऑफ लव फॉर इंग्लैंड, जो प्यार से भरा हुआ है किसके लिए, इंग्लैंड के लिए। कोई दिक्कत, नोट कीजिएगा।